मोदी सरकार फेल है क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना के कम होने का नामो निशान नहीं है। जहां कुछ देशों में लॉकडाउन किए बिना ही कोरोना केसेस में कमी लाई गई, वहीं भारत में लॉकडाउन होते हुए भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि यहां किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की गई है। मोदी सरकार फेल है क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटरी स्टाफ और पुलिस वालों के पास अभी तक नहीं है पर्याप्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मोदी सरकार फेल है क्योंकि देश की GDP शून्य से भी नीचे जाती दिख रही है, पर ना निर्मला ताई और ना ही PM को इस बात की कोई भी चिंता है, क्योंकि अगर उन्हें चिंता होती तो वो अनाउंस करते कुछ ऐसे स्टिमुलस पैकेज जिससे होती MSME और दूसरे व्यापारियों की मदद। मोदी सरकार फेल है क्योंकि उनकी नजर के सामने देश का निर्माण करने वाले मजदूरों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। जो भूख से नहीं मर रहे वो ट्रक या ट्रेन से कुचले जाते हैं, पर इस बेशरम सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। मोदी सरकार फेल है क्योंकि उनकी निगरानी में आज यह देश फेल हो रहा है। वो देश फेल हो रहा है जिसने अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका और पूरी दुनिया को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया। वो देश फेल हो रहा है जिसने खाद्य की समस्या से लेकर पोलियो जैसी बीमारी का डटकर सामना किया है। वो देश फेल हो रहा है जिसका लोहा पूरी दुनिया सदियों से मानती आ रही है। वो देश फेल हो रहा है जो कुछ साल पहले तक सुपर पावर होने की राह में था, पर आज नेपाल जैसा दोस्त देश भी जिससे मुंह फेरे बैठा है। मोदी सरकार फेल है क्योंकि उसे देश चलाना नहीं आता। मोदी सरकार फेल है क्योंकि वो हिंदुस्तान के काबिल नहीं।